Jassi Jaissi Koi Nahin. सालों बाद घर का खाना खाने को मिला। बेटा, जब जी करे आ जाया करो। ये तुम्हारा ही तो घर है। इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। काम काम लोगों तंग करेगा ये। अरे नहीं नहीं, ये हमारे पास रहेगा। ये हमारा भी तो मन लगा रहेगा। बस मैंने तय कर लिया। तुम लोग यहाँ इसी घर में हम सबके साथ रहोगे। ये मेरा ऑर्डर है। दोस्त के घर तो कभी भी जा सकते, पर फायदा ही क्या हुआ दोस्ती का? लेकिन मैं भी तो हूँ ना, हम सब हैं। जिस तरह रोहन हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुका है ना, तुम भी बन जाओगे। बच्चे पे हंसते आपको बुरा नहीं लगता? बच्चे पे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जैसे तुम्हारे चेहरे पे वो हंसी वो खुशी देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जब मैं गुलमोहर की बात करता हूँ तो तुम्हें बहुत दुख होता है, लेकिन ये दुख भी हमेशा के लिए मिटा दूंगा। आई प्रॉमिस। कैसी अजीब बात है, मैंने आज डायरी निकाली, सोचा था पूरब के बारे में लिखूंगी, और इतनी देर से बैठी अपने ही डायरी के पन्नों को पढ़ रही। मेरी फेवरेट कंपनी है गुलमोहर, मेरा फेवरेट चेयरमैन अरमान सूर्य, मेरी फेवरेट सेक्रेटरी है जकलोक। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने ये सोचा है कि जस्सी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? यानी तुम कुछ ज्यादा समझदार तो नहीं बन रहे मिस्टर पूरब मेहरा? नहीं, वो जस्सी ने कहा ना, मैं उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगा। आज पूरब को रोहन की चिंता करते देखा तो पहले अजीब लगा, पर मैं भी तो यही करती रहती थी ना, चिंता, वो भी अरमान सर के। क्यों? बेबी, अब आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप जाके सो जाइए। अरे मेरा हाल भी तेरे और जस्सी जैसा ही हो गया, जल्दी नींद कहाँ आती है मुझे। क्यों बेबी, क्या हुआ? और जस्सी को भी क्या बात है, किसी चीज को लेके परेशान है वो? मुझे तो आजकल वो कुछ बताते ही नहीं। कहीं पूरब की वजह से तो नहीं? मतलब? अरे तूने तो देखा ही होगा, बिल्लू कैसे खामखा पूरब के पीछे पड़ा रहता है। हाँ बेबी, वो तो है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, पूरब इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ कहता ही नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानता, बल्कि हंसते हंसते फिर आ जाता है वापस। कोई और वजह भी तो हो सकती है। अच्छा, सच? आपको ऐसा लगता है बेबी? क्या पूरब वाकई जस्सी को पसंद करता है? अरे मुझे तो पूरा यकीन है कि पूरब जस्सी को पसंद करता है। आप जस्सी का पता नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो किसी को नहीं मालूम,
और शादी को लेके तो उसका कोई विचार ही नहीं है। तब तो हमारे सपने तो सपने ही रह जाएंगे। बीबी एक काम करते हैं, इस बार इस बात को लेके जस्सी को कुछ नहीं कहते। कभी कभी माँ बाप बच्चों की बनती बात को बिगाड़ देते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि क्या होता है। बस ठीक है, पूरब और जस्सी आपस में फैसला कर ले और हमें बता दे। अरे हम क्या तैयार नहीं है? हम तो बिल्कुल तैयार है बेबी। ठीक है, जल्दी होगा कुछ। वैसे भी जस्सी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गुलमोहर की सफलता जस्सी के बिना सोचना नामुमकिन सा लगता है। जस्सी ऐसी लड़की है जो सारी दुनिया से प्यार करती है लेकिन खुद से नहीं। एक मिनट मैडम। क्या ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आके मुँह के सामने खड़े हो गए। अभी दिवाली को बहुत टाइम है और मैं सिर्फ दिवाली पर ही बख्शीश देती हूँ। अभी हटो। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। What? ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपकी ऑफिस में एंट्री नहीं है। ऊपर से? मलिका मैम को फोन लगाओ। रात सर कहाँ? आपको किसी से भी मिलना अलाउड नहीं है, बात करने को या फोन करना भी अलाउड नहीं है। कौन है तुम्हारे ऊपर वाला? जी अरमान सर। बस राज बात हो गया, अब हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, लोग हमारे पीछे आएंगे एक एक करके। देखिए यार, आर्यन के कैबिन में कुछ नहीं मिला, अगर कोई सबूत है तो वो परी के पास है, और अगर वो हमें मिल जाए तो हम आर्यन को बोर्ड के सामने नंगा कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने परी की एंट्री बैन करवा दी है। तो फिक्र मत कर, उसे कोई गुलमोहर में घुसने नहीं देगा। तो ऐसा है तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मुझे भी परी के घर पे होना चाहिए, क्योंकि आर्यन का तो कोई ठिकाना है नहीं, तो बेचारी परी कहाँ जाएगी? घर ही तो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मलिका उसका आप साथ देंगे। परफेक्ट, मैं चलता हूँ, साथ में फाइल्स भी ले जाता हूँ। भाई बोर्ड को दिखाने के लिए सेल्स रिपोर्ट भी बनानी है ना, अब जस्सी तो है नहीं बनाने के लिए। एक बार इनिशियल फिगर्स मुझे भी दिखा देना। ठीक है, लेकिन अब तू क्या करेगा? मैं तैयारी कर रहा हूं पूरा बरारियन के प्लान को एक जोरदार छक्का देने। और वो क्या? तो देखता जाओ और एंजॉय कर। टाइटन का खेल तो अभी शुरू हुआ है। बाय मामा। हाँ बेटा, तू तेरा नाश्ता है वो खा के जाना। जैसी कैसा थी? दफ्तर जा रही है। देखा पूरब पे जाते कैसी अकड़ ठिकाने पे आई है। अच्छा है वो यहाँ से चला गया, कम से कम अपने काम धाम में तो ध्यान देगी, वरना बिना वजह से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी उस। जी जरूरी है उसे कोई नया नाम देना, उसका नाम वैसे ही बड़ा प्यारा है, पूरब। उल्लू की तुम। कहाँ जा रही है बेटा? अजय ने दस्ताने पहने थे 3 साल पहले। आई फेट गुस्से में जल आग हो गया। अरे अरे जस्सी देख देख, तेरा फैशन शो आ रहा टीवी पे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा नया कलेक्शन देखने के लिए आप लोग सब बेकरार हैं। गुलमोहर में आपका स्वागत है। इस फैशन शो की सफलता में जस्सी का पूरा का पूरा हाथ। प्रीचियर्स फॉर जस्सी। हिप 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 हिप। थोड़ी देर में देखते हैं गुलमोहर फैशन हाउस का नया समर कलेक्शन। पापा जी ये किस लिए दिखा रहे थे? पता नहीं बेटा, बिगनिंग मिस कर दी ना मैंने। खैर तुझे उससे क्या लेना देना, छोड़ ना। तू जा बेटा, तू अपने ऑफिस को लेट हो रही होगी। वैसे भी गुलमोहर की बातें तो अब तेरे लिए पुरानी हो गई। तो देख नए ऑफिस में काम करती है ना IFH। जस्सी ये आइए, अभी खास मुलाकात गुलमोहर फैशन हाउस के चेयरमैन अरमान सूरी के साथ। पहली बार किसी इंडियन फैशन हाउस ने सेकंड क्वार्टर की शुरुआत में ऐसे सेल्स फिगर्स को छुआ है। इंडियन फैशन इंडस्ट्री के इतिहास में मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा दिन है, और अब गुलमोहर इंटरनेशनल न्यूज क्रिएट करने वाला है।
तो ये है जस्सी के अरमान सर। गुलमोहर अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी करेगा। और क्या पता गुलमोहर के शेयर होल्डर्स मार्केट के दूसरे सभी शेयर होल्डर से शायद ज्यादा हो रहे हैं। मिस्टर अरमान सूरी को मैंने पहले कहीं देखा है, शक्ल कुछ परेशानी से। आप ऐसा कीजिए, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। Whatever the bill, send it to me. I'll pay for it. Okay? वैसे आपका कार्ड होगा? जी। जी वो मेरे कार्ड मेरे ब्रीफकेस में और मेरा ब्रीफकेस मेरे घर पे है, तो मैं आपको फोन कर लूँगा। Okay. Yes? आर्यन सेठ बोल रहा हूँ। सारे शेयर हाथ आ गए। कब आ रहे हो तुम? तो अभी आ जाओ, अगली फ्लाइट पकड़ के। हाँ, मैं ये डील क्लोज करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, इससे पहले अरमान सूरी को इसके बारे में पता चले। You understand? Yes. Good. Thank you, Mr. अरमान सूरी। आज अनजाने ने अपनी पहचान देकर तुमने मेरा डिसीजन और भी आसान कर दिया। मलिका, मेरे घर पर ऑर्डर्स आ गए, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे पास घर ही नहीं है और गुलमोहर से मुझे अरमान ने भी निकाल दिया। उसने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि मुझे मुझे वहां पे घुसने न दिया जाए। ये सब तो तुम्हें अपनी लॉयल्टीज चेंज करने से पहले सोचना चाहिए था। एनीवेज, मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ अपना वक्त बिता सकती हो। तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से। मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस पर यकीन कर सकती हूँ और किस पर नहीं। आर्यन ने भी अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। सो एनीवेज, जब तक आर्यन बैंगलोर से नहीं आ जाता तब तक मैं। मलिका, मलिका ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्लीज बिलीव मी। मैंने जो कुछ भी कहा है ना, मैं अपनी बात बदल दूंगी। और राज ने जिन पेपर्स पे मुझे साइन करने को कहा है, मैं ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुकी हूँ मलिका। आई स्वेयर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, प्लीज। इनफैक्ट हम दोनों का ही कोई हाथ नहीं है। हम नहीं परी, तुम, सिर्फ तुम। इस हम में मुझे शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं और झूठ बोलने वाली नहीं हूं। बस बहुत हो गया। ओके बेब्स, मैं जाऊं। शायद मेरी जिंदगी में एक आदमी और एक जगह पर रहना लिखा ही नहीं है। सुंदरी सुंदरी, जिधर देखू बस तू ही तू, चारों तरफ बस तेरा ही जलवा। क्या बात है डार्लिंग, आपने टीवी देख लिया? हाँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना पुराना फैशन शो फिर से टीवी पे, पता नहीं प्रोग्राम क्या था। तुम्हारे पुराने बॉस अरमान सूरी की इंटरव्यू थी, एक्सक्लूसिव बातचीत विद फैशन कार राजकुमार। ओ सुंदरी, फोन उठाओ, नंबर घुमाओ और पता कर लो क्या बात है, इसमें क्या है। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे चलो यार, क्यों कंपनी छोड़ दी तो क्या हुआ, इतना रिश्ता तो रखा जा सकता है। ट्रिंग ट्रिंग। नहीं अजय, अब पीछे मुड़ने से क्या फायदा, ऐसा भी नहीं कि मेरा जी कर रहा और मैं अपना मन मार रही हूँ। बस अच्छा इस बात का लग रहा है कि मैंने अच्छे दिनों में गुलमोहर का साथ छोड़ा। IFH के अच्छे दिनों का स्वागत करने के लिए तो कब शुरू हो रहे हैं हमारे अच्छे दिन सुंदरी? आज से मैं आ गई हूँ ना, और मैं तो ऑलरेडी IFH में ही हूँ। झूठ कहूँ या सच? सच बोलूंगी तो सच के सिवा कुछ नहीं। क्या आज तू यहाँ नहीं है? आज तू कहीं और है। किसी और के साथ। Thank you.
मैं तो घबराई गई थी, कब से मेरा पीछा कर रहे हो? अलीबाग से। क्यों, पता नहीं चला? पता तो चल गया था, इसलिए तो मैंने कहा था कि पापा जी से बात कर लेती हूँ। पेन किलर खा के चले गए, रुक जाते तो। अरे बाबा, पापा जी से मैं खुद ही बात कर लूंगा, पूछ लो। तुम क्या पूछोगे, क्या कहोगे कि होटल के बिस्तर में रहकर पीठ अकड़ गई? अरे नहीं, वो नहीं कह सकता। पिछले 2-3 दिनों तुम्हारे यहाँ रह रहा था ना, वो छोड़ो, पापा जी से बाद में बात करूंगा, पहले तुम्हें तो कह दूं। क्या? हाय। हेलो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। मौसम अच्छा है ना? पूरा। तुम बात क्या करने आए हो? मैं फिलहाल तो सिर्फ माइक टेस्टिंग कर रहा हूँ। मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है ना? बस बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करते रहो। पर देखो, मुझ पे हंसना मत, ठीक? अगर मैं कहूं कि आ रही है तो रोक दो, क्योंकि उससे पहले ये गिफ्ट आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। ये क्या है? ये किस लिए? जैसे मैं नहीं जानता हूं कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है। अगर इस कंपस की तरह मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी को डायरेक्शन दो, क्योंकि मेरी मंजिल भी तुम हो और मेरी राह भी तुम हो। मैं जानता हूँ तुम उस राह पर कभी नहीं चलोगी जहाँ तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े, और ये मेरा वायदा है कि मैं तुम्हें दुखों से कभी दोस्ती नहीं करने दूंगा। थैंक्स पूरब, लेकिन मैं दुख से दोस्ती करने की सोच भी नहीं रही हूँ। मैंने दोस्ती तुमसे जो कर ली है तो दुख से क्यों करूँ? अब जब दोस्ती कर ही ली है तो क्या मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन सकता हूँ? हाँ। तो जैसी, ये गिफ्ट तुम्हें देके मैं अपनी लाइफ की डायरेक्शन फिक्स कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम कभी किसी दो राह पे भटको नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हर राह आसान बनाना चाहता हूँ। जिंदगी के सफर में मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो मौका दोगी? क्या तुम मेरी हम सफर बनोगी?